दोस्तों आज है संडे और मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए नया संडे क्यू एन ए वीडियो लेकर। आज के इस क्यू एन ए वीडियो में आप में से जितने लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किए थे मैंने मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन को पिक किया है और उसका आंसर किया है। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन था तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कमेंट है दोस्तों ये लिखने वाले हैं टेक स्टार इन्फो न्यूज़ टी वी की ओर से और ये पूछ रहे हैं सर न्यूज़ चैनल में मिक्सड कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा क्या? तो भाई अगर आपका न्यूज़ चैनल है और आप मिक्सड कंटेंट अपलोड करते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन आपसे बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ न्यूज़ दें, अपने चैनल में सिर्फ न्यूज़ वीडियो बनाएं और बीच बीच में आप चाहो तो कुछ और कंटेंट भी दे सकते हो। और अगला जो कमेंट है दोस्तों ये लिखने वाले हैं कबीर एन मोनिल विलोक की ओर से और ये पूछ रहे हैं भाई आप कौन से शहर और स्टेट में रहते हो? तो भाई मैं छत्तीसगढ़ स्टेट में रहता हूँ और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बिलासपुर। और अगला जो कमेंट है दोस्तों ये लिखने वाले हैं पीटी फैक्ट एंड ट्रिक्स की ओर से और ये पूछ रहे हैं ब्रो आर्मी के फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से लाए, कॉपीराइट फ्री? तो भाई अगर आप किसी भी चीज़ के लिए फैक्ट चाहते हो तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो और भी न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो, यूट्यूब में एक्टिव रह सकते हो और भी जितने सोशल प्लेटफॉर्म है आप उसमें एक्टिव रहो, आपको नया नया आइडिया मिलता रहेगा। और अगला जो कमेंट है दोस्तों ये लिखने वाले हैं एम एम ए एस ए गेमर एफ एफ की ओर से और ये पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? तो भाई मेरा नाम महेंद्र कुमार ही है। और अगला क्वेश्चन पूछे हैं आपके मम्मी पापा को पता है आपका चैनल है? तो हाँ भाई मेरे मम्मी पापा को शुरू से ही पता है कि मेरा यूट्यूब में चैनल है और मैं इसमें वीडियो बनाता हूँ। और अगला क्वेश्चन पूछे है ये भाई आप गेमिंग वीडियो क्यों नहीं डालते? तो भाई अभी के टाइम में तो मेरे पास कोई अच्छा सा फ़ोन नहीं है जिसमें मैं अच्छा सा गेमिंग कर सकूँ, जिस कारण से मैं ज़्यादा फ़ोन में गेम भी नहीं खेलता और इसलिए गेमिंग चैनल भी नहीं बनाया हूँ। और अगला क्वेश्चन पूछे है आपकी एज कितनी है? तो भाई अगर मैं अभी अपनी एज की बात करूँ तो मेरा एज है अभी 22 ईयर। और अगला जो कमेंट है दोस्तों ये पूछने वाले हैं बी फंड सी की ओर से और ये पूछ रहे हैं आप कहाँ तक स्टडी किए हैं? तो भाई मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। आप शादी किए हैं? तो भाई अभी मेरा शादी नहीं हुआ है। आपका कितना बच्चा है? तो भाई अभी शादी नहीं हुआ तो बच्चा कहाँ से रहेगा। आपका एज कितना है? तो भाई इसका आंसर मैंने कर दिया है। और पूछ रहे हैं आप शादी कब करेंगे? तो भाई मेरे को नहीं पता कि कब शादी करूँगा। और अगला जो कमेंट है दोस्तों ये लिखने वाले हैं मेम्स एफ डबल फोर की ओर से और ये पूछ रहे हैं भाई $10 होने के बाद चैनल डीमोनिटाइज हो गया, गूगल एडसेंस पिन आएगा क्या? तो भाई अगर आपका चैनल डीमोनिटाइज हो जाएगा तो आपका एडसेंस पिन नहीं आएगा। और अगला जो कमेंट है दोस्तों ये लिखने वाले हैं एच एम एन टी गेमिंग की ओर से और ये पूछ रहे हैं मेरा हर वीडियो में 4 to 5 के व्यूज आता है, मुझे एक दिन में कितना वीडियो अपलोड करना चाहिए, एक या दो या तीन? तो भाई मैं आपको बोलना चाहूँगा डेली आपको कम से कम एक वीडियो तो अपलोड करना ही है। अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप दिन के 2 वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा ही टाइम रहता है तो आप दिन के 3 वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। अगर आप दिन के 3 वीडियो अपलोड करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको डेली एक वीडियो अपलोड करना ही है। और अगला जो कमेंट है दोस्तों ये लिखने वाले हैं मनीष गेमिंग गुरु जी की ओर से और ये पूछ रहे हैं $1 का क्या मतलब, कितना पैसा होता है, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन? तो भाई आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो कि $1 इंडियन मनी में कितना होता है, तो आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। और अभी के टाइम में मैं $1 की बात करूँ तो इंडियन मनी में 76 रुपीज़ होता है। और अगला जो कमेंट है दोस्तों ये लिखने वाले हैं फूडी लाइफ विद नेहा की ओर से और ये पूछ रहे हैं 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? तो अगर मैं अपने चैनल की 500 सब्सक्राइबर की बात करूं तो मुझे अपने चैनल में 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में 5 से 6 महीने का समय लग गया था। और अगला जो कमेंट है दोस्तों ये लिखने वाले हैं अर्निंग एंड लर्निंग ट्रिक्स की ओर से और ये पूछ रहे हैं सर प्लीज़ बताओ मेरा चैनल फ्री इंटरनेट वाली कंटेंट का है, मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो भाई आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस जो आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो वो आपका खुद का होना चाहिए। और अगला जो कमेंट है दोस्तों ये लिखने वाले हैं पास गेमिंग की ओर से और ये पूछ रहे हैं ब्रो योर एज, तो मैंने आपको इसका आंसर कर दिया है। और अगला क्वेश्चन पूछे है ट्रेंडिंग मास्टर की ओर से और ये पूछ रहे हैं मैं 15 साल का हूँ और मैं ब्लॉग चैनल खोलना चाहता हूँ, तो भाई आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला जो कमेंट है ये पूछने वाले हैं कबड्डी लाइफ लाइन की ओर से और ये पूछ रहे हैं YouTube से करियर बन सकता है क्या? तो भाई अगर आप YouTube में ग्रो कर जाते हो तो आप YouTube से भी करियर बना सकते हो, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर कोई भी जॉब करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप YouTube को पार्ट टाइम के रूप में ले, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में या फिर अपने काम पर फोकस करें। और अगला जो कमेंट है दोस्तों ये लिखने वाले हैं डिफेंस सीरीज की ओर से और ये पूछ रहे हैं क्रिएटिव कॉमन वीडियो से चैनल मोनेटाइज होगा? तो भाई अगर आप क्रिएटिव कॉमन वीडियो में अपना वैल्यू ऐड करते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्रिएटिव कॉमन वीडियो को उठाते हो और अपने चैनल में अपलोड करते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और अगला जो कमेंट है दोस्तों ये लिखने वाले हैं फेक्ट टेक आर्यन की ओर से और ये पूछ रहे हैं भाई मैं एक्सपेरिमेंट मिस्टर इंडियन हैकर का वीडियो लेके फेक्ट शॉट बनाता हूँ, क्या मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? तो भाई आपका चैनल आराम से मोनेटाइज हो जाएगा, आप किसी के भी वीडियो को लेके फेक्ट वीडियो बना सकते हो, लेकिन एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा आप उसे अपने वीडियो में क्रेडिट जरूर से दें और उस वीडियो में अपना वैल्यू भी ऐड करें। अगर आप उस वीडियो में अपना वैल्यू ऐड नहीं करते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आपको रियूज कंटेंट वाले प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और अगला जो कमेंट है दोस्तों ये लिखने वाले हैं करंट फेक्ट मीडिया की ओर से और ये पूछ रहे हैं भाई सिर्फ 3K अंडर व्यूज ही आ रहे हैं, क्या करूँ, आई नीड 100K व्यूज? देखो भाई अगर आपके चैनल में सब्सक्राइबर कम रहते हैं तो शुरुआत में आपके वीडियो में व्यूज कम आते हैं, अगर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो इसमें अप डाउन होता रहता है। अभी के टाइम में आपको बोलना चाहूँगा कि आप डेली अपने चैनल में वीडियो अपलोड करते रहो, आपका एवरेज जो व्यू है 3K से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ आपके चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपके वीडियो में अच्छे व्यूज आने लगेंगे। तो फिलहाल तो आप डेली काम करते रहो और कोशिश करो कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बना सको, क्योंकि अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो आपके वीडियो के वायरल होने की काफ़ी ज़्यादा चांस रहेंगे। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये पूछने वाले हैं द एंग्री प्लेयर सीके की ओर से और ये पूछ रहे हैं प्लीज़ भाई आपकी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ, तो भाई कोई रहेगा तब तो बताऊँगा ना।
तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन थे, तो लगभग मैंने सभी के क्वेश्चन को पिक कर लिया है। और अगर मैं किसी का कमेंट पिक नहीं कर पाया हूँ तो नेक्स्ट संडे आपका कमेंट को पिक कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।